सीएम योगी 29 और 30 को विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, डीएम ने दी जानकारी। कमिश्नर अनिल कुमार ने की उद्योग बंधुओं के साथ बैठक, समस्याओं के समाधान के लिए दिए निर्देश। दिव्यांगों एवं वृद्ध व्यक्तियों को फरवरी के प्रथम माह में किया जाएगा सहायता उपकरण वितरित। आलू किसानों के साथ वादा खिलाफी को बंद किए जाने सहित 8 सूत्रीय मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर सदर तहसील परिसर में दिया धरना। शहर के सिनेमा हॉलों में शांतिपूर्वक चल रही है फिल्म पद्मावत। 20 जनवरी बसंत मेला का आयोजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज करेंगे मेले का उद्घाटन। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल कला सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। महानगर के ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह ने बच्चों को किया पुरस्कृत। शनिवार से दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज में आरंभ हुआ 5 दिवसीय रोवर एवं रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता अंशुमान सिंह ने प्रदेश सरकार को चेताया कि उठाए आलू किसानों के लिए ठोस कदम। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के सदस्य गौरव दयाल वाल्मीकि का 28 जनवरी को होगा गोरखपुर आगमन, अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद करेंगे दौरा। और कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त 4 कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने दी विदाई, किया उनके उज्जवल भविष्य की कामना।